और एक बड़ी खबर आ रही है यूपी के मदरसों से जुड़ी हुई। यूपी में मदरसों को लेकर के फिर बड़ी तकरार। मौलाना महमूद मदनी का सरकार को पत्र। 26 जून को जारी आदेश वापस लेने की मांग उठाई। पत्र के माध्यम से गैर मुस्लिम छात्रों के लिए जारी हुए आदेश और मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को सरकारी स्कूल में एडमिशन का जारी हुआ आदेश। तो मौलाना महमूद मदनी के नेतृत्व में जहां जमीयत की बैठक चल रही है, वहां 26 जून को जारी आदेश को वापस लेने की बात कही गई है। जो गैर मुस्लिम छात्र मदरसों में पढ़ रहे हैं, उन्हें सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने का आदेश दिया गया है और मौलाना महमूद मदनी ने सरकार को पत्र लिखकर ये आदेश वापस लेने की मांग की है। यूपी के मदरसों के लिए NCPCR का एक निर्देश दोबारा से विवाद का कारण बन गया है। इस निर्देश को लेकर मौलाना मदनी ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पहली बात तो ये कि NCPCR सहायता प्राप्त मदरसों के बच्चों को उनके धर्म के आधार पर अलग करने का निर्देश नहीं दे सकता है। ये देश को धर्म के नाम पर विभाजित करने वाला कृत्य है। दूसरी ओर ये सवाल महत्वपूर्ण है कि पूरे देश को छोड़कर NCPCR ने उत्तर प्रदेश सरकार को ही निर्देश क्यों जारी किया। शिक्षा का चयन बच्चों और उनके माता पिता एवं अभिभावकों की इच्छा का मामला है कि वो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं। कोई भी राज्य नागरिकों से शिक्षा का चयन करने का अधिकार नहीं छीन सकता। दरअसल NCPCR ने अपनी चिट्ठी में जमात उलेमा हिंद द्वारा खुले स्कूलों की जांच की मांग की। कहा गया कि मदरसा के बच्चों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखकर अपराध किया जा रहा है, जिस पर यूपी सरकार ने 26 जून 2024 को निर्देश जारी किया, जिसमें लिखा था कि सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षारत गैर मुस्लिम छात्रों को अलग किया जाए और उनको सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाए। तो मौलाना महमूद मदनी ने यूपी सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की। ऐसे में आपको सबसे पहले यह भी जान लेना जरूरी है कि आखिर वो कौन सा आदेश है। दरअसल मदरसों से गैर मुस्लिम छात्र अलग होंगे। इस सरकारी आदेश के मुताबिक उन बच्चों का सरकारी स्कूल्स में एडमिशन करवाया जाएगा। इसके अलावा जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो समाप्त हो जाएंगे पूरी तरह से और गैर मान्यता वाले मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का सरकारी स्कूल में जाना होगा। 26 जून को ये आदेश जारी किया गया है सरकार की ओर से और इसी को लेकर के मौलाना महमूद मदनी ने ये चिट्ठी लिखी है और सरकार से यह आदेश वापस लेने की मांग की है। तो मदरसों पर योगी सरकार के आदेश और मौलाना मदनी की मांग पर बीजेपी नेता आनंद दुबे ने क्या कहा, सुनिए जरा। बहुत हमने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, मगर बदली नहीं अब तक मेरी तकदीर मौलाना। मौलाना अरशद मदनी हूं या इनके जैसे अन्य मौलाना, ये चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय गरीबी में गुर्बत में रहे और उनको लगातार गुमराह करने की कोशिश ये करते हैं और इस तरह की चिट्ठी लिखकर सिर्फ ध्यान आकर्षण करने की कोशिश ऐसे मौलाना कर रहे हैं।